हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। ये बहुत जरूरी विटामिन है और इस विटामिन के बारे में हम कुछ खास टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ खास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से हमको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, किस फूड आइटम में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, इसको नेचुरली तरीके से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, विटामिन ए के क्या फायदे होते हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसको कैसे शरीर में विटामिन ए को बढ़ाया जा सकता है नेचुरल तरीकों से, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारे लिए। आइए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ये विटामिन ए के फंक्शन क्या है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, क्या काम करता है, ये हम समझते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों से देखने के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए हमारे जो संक्रामक रोग हो जाते हैं हमको कभी कभी, उनसे हमको बचाता है। शरीर के सभी जो अंग होते हैं, बहुत सारे अंगों को सामान्य रूप से चलाने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए ये बहुत काम करता है। जैसे कि हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारी हड्डियां, हमारी स्किन, कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं हमारे शरीर के जिनको ये सुचारू रूप से सामान्य रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। बच्चों का जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनके शारीरिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए, प्रॉपर शरीर का डेवलपमेंट हो जाए, हेल्दी रहे, इसके लिए विटामिन ए उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी। और खास बात कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती माताएं बहनें हैं, उनके शरीर में पल रहे बच्चे के लिए, उस भ्रूण के विकास के लिए भी ये विटामिन ए बहुत जरूरी माना गया। तो ये कई सारे काम करता है हमारे शरीर में। अब हम बात करते हैं कि ये विटामिन ए हमको मिलेगा कहां से, आखिर इसके सोर्स क्या है। विटामिन ए का सबसे अचूक, सबसे बेस्ट सोर्स है गाजर। आप सर्दियों के मौसम में ताजा, अच्छी फ्रेश गाजर लाइए, साफ करके धो करके आप गाजर का सलाद के रूप में सेवन कीजिए, उसका जूस पीजिए, आपके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा पपीता भी इसका एक सोर्स है। और जो पीले पीली मक्का, जिसको भुट्टे जो हम खाते हैं पीले, उनमें भी विटामिन ए का अच्छा सोर्स रहता है। दूध में इसका अच्छा सोर्स है, दूध आप पी सकते हैं विटामिन ए की पूर्ति के लिए, मक्खन खा सकते हैं। और जो गहरे हरे रंग की सब्जियां होती है उनमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप इनका सेवन जरूर करें। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से आखिर बीमारियां कौन कौन सी होती, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आंखों से जुड़ी हुई सारी बीमारियां इसकी विटामिन ए की कमी से होना शुरू हो जाती। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसमें आता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो रतौंधी कहते हैं, रात में कम दिखना। ये बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। उसमें फिर मोतियाबिंद भी शामिल है, मोतियाबिंद की बीमारी विटामिन ए की कमी से हो जाएगी। आंखों में जलन, आंखें लाल रहना, आंखों में जो सूखापन आता है, आंखों में खुजली होना, ये इस तरीके से आंखों से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो उसमें विटामिन ए की कमी शरीर में हो सकती है। तो आप ध्यान दें, विटामिन ए की कमी शरीर में नहीं होए। दूसरा, चमड़ी से संबंधित बीमारियां, जो स्किन रोग होते हैं वो भी विटामिन ए की कमी से होते हैं। फिर प्रजनन संबंधित जो रोग होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां भी विटामिन ए की कमी से हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में घाव भरने की क्षमता कम हो गई है, कहीं चोट लग गई आपको और आपका घाव बहुत देर से भरता है, तो उसमें भी हम ये मान सकते हैं कि शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई। तो कई सारे रोग होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, तो आप अलर्ट रहें। और विटामिन ए के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया है कि ये शरीर में क्या काम करता है, इसको क्या क्या खाने से शरीर में, इसकी कौन कौन से फूड आइटम खाने से ये पूरा हो सकता है नेचुरली तरीके से, और इसकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है। चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।